Hello friends and welcome to Holistic Happiness. So today I have again come up with some more stomach fat reducing exercises to bring variety and target other muscle groups. So हमारी जो first exercise है ये है crunches. 20 crunches करने हैं हमको और उसके बाद planks करना है for 30 seconds और इसके 4 set लगाने हैं. तो crunches करने का actual original position यही है. इसी तरह हमको crunches करने हैं. पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ हमको हैंड्स को अपने टच करना है. तो ये जो एक्सरसाइजेस है ये हमने फुल्ली टारगेट की है अपने स्टमक फैट के ऊपर, एब्स के ऊपर, लव हैंडल्स के ऊपर. लव हैंडल्स मतलब हमारे जो कमर के दोनों तरफ जो एक्स्ट्रा फैट जम जाता है उसको लव हैंडल्स बोलते हैं. और उसके बाद ताकि इतने सारे स्टमक की एक्सरसाइज करने के बाद हमारे बैक में कोई प्रॉब्लम ना हो या पेन ना हो उसके लिए कुछ बैक की एक्सरसाइज भी हम करेंगे. तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है. तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी है वी सिट होल्ड. तो इस तरह हमको होल्ड करके रखना है अपने आप को फॉर 30 सेकंड्स. आप लोग ट्राई कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो. ये थोड़ा सा टफ एक्सरसाइज है और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे स्टमक फैट को रिड्यूस करने के लिए. तो ये जो मैं आपको सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ ये आप वीक में 2 times कर सकते हैं और ये 30 मिनट्स की एक्सरसाइजेज हैं. किसी भी समय आप कर सकते हैं, एट होम वर्कआउट है. तो ये थर्ड हमारी जो एक्सरसाइज है ये है वी क्रंचेस. तो स्टमक को हमने क्रंचेस करके ऊपर से टारगेट किया है स्टमक फैट को और इस तरह हम जो है इसको नीचे से टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारे स्टमक में जो फैट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर से टारगेट होके रिड्यूस हो सके. तो अभी हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है ये है प्लैंक वॉक. हमको प्लैंक की तरह बन जाना है और 2 steps लेफ्ट में और 2 steps राइट में जाना है. इस तरह हमको 5 times करना है और इसके 4 sets करने हैं. तो एक्सरसाइज ये काफ़ी इजी है. थोड़ी मोबिलिटी है इसमें, थोड़ा से बैक को भी हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं. इसके बाद हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है ये है प्लैंक ट्विस्ट. ये हमको 20 times करनी है और 4 sets करना है. तो यही जो है हमारा जो लव हैंडल्स है उसको टारगेट करता है. एक्सेस फैट हमारे स्टमक के बीच में से, साइड में से, हर तरफ से रिड्यूस होना पड़ता है. आपको पता है कि एक मसल को अलग से टारगेट नहीं किया जाता, सबको टारगेट करना पड़ता है तभी जाके हमको रिजल्ट मिलता है. तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बाय.